हेलो एवरीवन, दिस इज़ भावना। वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थ नारेश्वर, एक आत्मिक यात्रा। सो फ्रेंड्स, आज का वीडियो एक डीएफ की रिक्वेस्ट पे है कि नार्सिसिस्टिक पेरेंट्स से जो वूंड्स मिलते हैं उन्हें कैसे हील किया जाए। आखिर पेरेंट्स से मिले हुए वूंड्स हील होने में इतना टाइम क्यों लगता है? जैसा कि आपने कई वीडियोज़ में सुना होगा कि मोस्ट ऑफ ट्विन फ्लेम के पेरेंट्स नाक्स ही होते हैं, और ये भी कहा जाता है कि ट्विन फ्लेम खुद अपने पेरेंट्स पहले से ही चुन के आते हैं। हम पहले से ही ऐसे नार्सिसिस्टिक पेरेंट्स के साथ सोल कॉन्ट्रैक्ट करके आते हैं। तो मुझे ये बात आज तक कभी अपनी जर्नी में समझ में नहीं आई थी कि हम ट्विन फ्लेम्स जो एम्पैथ होती हैं, इतने सेंसिटिव होते हैं, इमोशनल होते हैं, तो एक नार्सिसिस्टिक पेरेंट्स को हम उनके साथ सोल कॉन्ट्रैक्ट कैसे कर सकते हैं। तो मैंने इन 3 सालों में काफ़ी बार इस पर स्टडी किया, यूनिवर्स से भी मैंने ये पूछा कि ऐसा क्यों होता है। तो 3 साल बाद मुझे इस डाउट का आंसर पता चला। फ्रेंड्स, आपको जब भी इस जर्नी को समझना हो ना, तो अपने स्कूल डेज को याद कीजिए। एक स्कूल का माहौल कैसा रहता है, बच्चे सीखते कैसे हैं स्कूल में, टीचर किस तरह से पढ़ाता है, ठीक उसी तरह से इस अर्थ पे भी सबकी लर्निंग ग्रोथ स्कूल के जैसे ही होती है, कोई डिफरेंस नहीं होता है। अब आपको एक एग्जांपल से समझाती हूँ कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। जैसे कि क्लास में टॉपर्स भी होते हैं और वीक स्टूडेंट्स भी होते हैं, आप जानते ही हैं। आपने देखा होगा कि टीचर वीक बच्चों को टॉपर्स के पास ही बैठाते हैं, उसी टॉपर को जिम्मेदारी देते हैं कि इस वीक बच्चे को सिखाने का काम तुम्हारा है, इसको इसके होमवर्क में हेल्प करनी है, इसको जो टॉपिक समझ में नहीं आता है वो तुम इसको समझाओगे मेरी एब्सेंस में। तो ये टीचर का डिसीशन होता है, वो इंस्ट्रक्शन देता है टॉपर को, और टॉपर मना नहीं कर सकता, कोई भी स्टूडेंट मना नहीं कर सकता टीचर को, उसे टीचर की बात माननी ही होती है, वो स्टूडेंट टीचर की बात को टाल नहीं सकता। क्या टॉपर खुद चाहेगा कि कोई वीक स्टूडेंट उसके पास बैठे? आपने स्कूल लाइफ में कभी ऐसे टॉपर देखे हैं? नहीं ना, कि कोई खुद कह दे कि नहीं मैडम, मुझे किसी कमज़ोर बच्चे को, किसी वीक स्टूडेंट को मेरे पास बैठा दो। भला कौन सा होशियार बच्चा खुशी खुशी ये चाहेगा कि एक कमज़ोर बच्चा आके उसके पास बैठे? बल्कि जो वीक बच्चे जो होते हैं, हमेशा से उनका मन करता है एक होशियार बच्चे के पास बैठने का। अब आप सोच रहे हैं कि इसका ट्विन फ्लेम जर्नी से क्या ताल्लुक है। तो यहाँ टॉपर्स आप हैं, आप ट्विन फ्लेम हैं, स्पिरिचुअली मैच्योर सोल हैं, आप लर्निंग में बिलीव करते हैं, फोकस्ड रहते हैं, और आपके पेरेंट्स जो कि नार्सिसिस्टिक हैं वो वीक बच्चे हैं। क्योंकि डिवाइन के लिए तो हम सब उनके बच्चे ही हैं ना, चाहे आप ट्विन फ्लेम्स हो चाहे नार्सिसिस्टिक हो, हम सब सोल हैं, हम बच्चे हैं उनके। एक मैट्रिक्स वाली लाइफ जीते हैं जहाँ सिर्फ ना जो वीक बच्चे होते हैं वो एक मैट्रिक्स वाली लाइफ ही जीते हैं, जहाँ सिर्फ मौज मस्ती हो, वो पेरेंट्स स्पिरिचुअलिटी में बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं हैं। जो नार्सिसिस्टिक पेरेंट्स होते हैं वो इंटरेस्टेड नहीं होते हैं, वो स्पिरिचुअली मैच्योर नहीं होते हैं। तो यहाँ डिवाइन जो कि हम सबके टीचर होते हैं, चाहे ट्विन फ्लेम हो चाहे नार्सिसिस्टिक हो, सबको पढ़ाने का सिखाने का काम डिवाइन ही करते हैं। तो आपने खुशी से खुद नहीं चुने हैं ऐसे पेरेंट्स, ये गलत कहा जाता है। इस जर्नी में काफ़ी चैनल्स पे गलत जानकारी दी जाती है, हम खुशी खुशी चुन के नहीं आते हैं ऐसे पेरेंट्स को, बल्कि डिवाइन चाहते हैं कि आप उनके साथ इस लाइफ टाइम में सोल कॉन्ट्रैक्ट करें, ऐसे पेरेंट्स के साथ सोल कॉन्ट्रैक्ट करें, ताकि वो आपसे बहुत कुछ सीख पाएँ, आप जैसे बन पाएँ, आप जैसे अपना एसेंशन कर रहे हैं वैसे वो भी अपनी लर्निंग लेसन्स, अपनी ग्रोथ पे फोकस कर पाएँ।
एक स्पिरिचुअल सोल बन पाए, खुद को कॉन्शियसली इवॉल्व कर पाए, इसलिए वो भी एक होशियार बच्चे की तरह बने, इसलिए वो सोल कॉन्ट्रैक्ट एक नार्सिसिस्टिक का आपके साथ करवाया जाता है, चाहे पेरेंट्स हो चाहे और कोई भी नार्सिसिस्टिक हो, कोई भी मतलब एक फ्रेंड बन के कोई नार्सिसिस्टिक आया है या कोई एक नेबर बन के आया है कहीं से भी। जैसे आप कॉन्शियसली इवॉल्व होते जा रहे हो तो इसलिए ऐसे नार्सिसिस्टिक को आपकी लाइफ में रखा जाता है ताकि आपके साथ रह के उनकी भी ग्रोथ हो सके, वो कुछ सीख सकें। आपकी लाइफ में नार्सिसिस्टिक पेरेंट्स का होना डिवाइन का डिसीजन है, आपका नहीं है। आपको पता है कि मैं एक टीचर हूँ, बता रखा है, मैं पढ़ाती हूँ। टीचर क्लास के किसी बच्चे से पक्षपात नहीं करते हैं, उनके लिए हर बच्चा इक्वल है। इस अर्थ पे चाहे हम ट्विन फ्लेम्स हों, नार्सिसिस्टिक हों, कोई भी जीव हो, सब इक्वल हैं डिवाइन के लिए। जैसे कि मैं भी क्लास में बच्चों को ऐसे ही बैठाती हूँ कि एक होशियार समझदार बच्चे के साथ एक वीक या एवरेज स्टूडेंट को बैठाती हूँ ताकि वो उससे कुछ सीख पाए। मेरी नज़र हर बच्चे पे रहती है, मैं देखती हूँ जब वो कमज़ोर बच्चा पास बैठे टॉपर को परेशान करता है, डिस्टर्ब करता है, या पूरी क्लास को वो डिस्टर्ब करने की कोशिश करता है। बट जब टॉपर्स मुझसे, जो होशियार बच्चे होते हैं, जो कंप्लेन करते हैं जब मुझसे कि मैम ये मुझे वर्क नहीं करने दे रहा या पढ़ने नहीं दे रहा है, तो जहाँ मुझे भी लगता है कि बस अब तो अति हो गई है, इस बच्चे को मैंने बैठाया था ताकि कुछ सीख पाए, पर ये जो बच्चा होशियार है, जो आगे बढ़ रहा है, ग्रोथ कर रहा है, उसको भी आगे बढ़ने नहीं दे रहा है, डिस्टर्ब कर रहा है। तो जब अति हो जाती है तो मैं भी डिसीजन ले लेती हूँ, क्योंकि एक बच्चे को होशियार बनाने के लिए मैं दूसरे को परेशान नहीं देख सकती, तो मैं फिर उस बच्चे की सीट ही चेंज कर देती हूँ। फिर मुझे लगता है कि इन बच्चों को तो कमज़ोर ही रहना है, तो ऐसे बच्चों को मैं अकेला ही बैठाती हूँ या इनको इनके जैसे बच्चों के साथ ही बैठा देती हूँ। एक तरह ये उन बच्चों को पनिशमेंट होती है। फिर तो बच्चे कहते भी हैं कि मैम मैंने क्या किया, मुझे अलग क्यों बैठा है, मुझे तो आगे वाली बेंच पर ही बैठना है, मुझे तो टॉपर के साथ ही बैठना है। तो मैं कहती हूँ कि नहीं, तुम इसी लायक हो। तो ठीक ऐसा इस अर्थ पे होता है। आप क्या सोचते हैं, जो नार्सिसिस्टिक पेरेंट्स या और भी कोई नार्सिसिस्टिक आपको वोंस देते हैं, पेन या ट्रॉमा देते हैं, आपकी लाइफ का हर मोमेंट वो रोने जैसा कर देते हैं, तो क्या डिवाइन नहीं देखते हैं क्या? आप सोचते हैं वो तो कुछ करता ही नहीं है, वो तो इन नार्सिसिस्टिक को पनिश करता ही नहीं है, इनको इनका कर्मा देता ही नहीं है। तो दोस्तों ऐसा नहीं होता है, कर्मा सबको मिलता है, चाहे हम ट्विन फ्लेम्स हों चाहे कोई भी हो, एक छोटे से छोटे कर्मा का, बुरे कर्मा का फल हमको मिलता है। ये जो नाक्स जब अपनी लाइफ टाइम पूरी करेंगे ना, तब इनका हैवी कर्मा ही होता है जिस कारण डिवाइन इनको फिर से लोअर डायमेंशंस में भेज देते हैं, जहां इनके जैसे नाक्स पहले से ही होते हैं। अब लोअर डायमेंशंस, जैसे आपको पता होगा, आपने सुना होगा, जैसे पशु योनि में आ जाना, प्रेत या पिशाच की योनि में आ जाना, जन्म ले लेना, तब डिवाइन भी ऐसे ही कहते हैं इनसे कि तुम इसी लायक हो, तुम सबकी किस्मत अच्छी थी कि सबसे पहले तो तुम्हें मनुष्य योनि में जन्म मिला था, फिर ताकि तुम्हारा उद्धार हो सके, एसेंशन हो सके, तो मेरे इतने सारे प्यारे बच्चों के साथ मैंने तुम्हें रखा और तुम मेरे बच्चों को ही पीड़ा दे रहे हो, उनको रुला रहे हो, उनको अलग कर रहे हो, डिवाइन पार्टनर्स को अलग कर रहे हो। तो ऐसे नार्सिसिस्टिक लोगों को फिर लोअर डायमेंशंस में फेंक दिया जाता है कि जाओ, वही तुम्हारी असली जगह है, तुम्हें अगर एसेंशन अपना चाहिए तो तुम अपनी खुद मेहनत करके हायर डायमेंशंस तक पहुँचो। फिर जो मदद उनको मिल रही होती है ट्विन फ्लेम से या कोई स्पिरिचुअली असेंडेड सोल होती है, उनसे जो मदद मिल रही होती है उनको, वो भी
उनको नसीब नहीं होती है। और आपने भी देखा होगा कि जैसे ही नार्सिसिस्टिक से आप कट ऑफ हो जाते हो, बाउंड्री क्रिएट करते हो, तो वो नार्क्स आपकी एनर्जी के लिए कितना क्रेव करते हैं, बहुत जतन करते हैं कार्मिक्स कि कैसे इसे कॉन्टैक्ट करूँ, कैसे बात करूँ, मुझे इसकी एनर्जी चाहिए। क्योंकि खुद तो वो अंदर से खोखले होते हैं, खुद वो कोई वर्क करते नहीं हैं अपने ऊपर आंतरिक रूप से, वो बस दूसरों की एनर्जी पे डिपेंड होते हैं, वैम्पायर्स होते हैं, दूसरों की एनर्जी सक करते हैं। ऐसा ही हाल होता है ना एक वीक स्टूडेंट का, जब एक के टॉपर पर वो डिपेंडेंट हो जाता है। ठीक है, नाक्स भी ट्विन फ्लेम्स की एनर्जी पर डिपेंडेंट हो जाते हैं, तो मैं क्यों बैठाती हूँ एक वीक स्टूडेंट को, अलग क्यों अलग कर देती हूँ कि नहीं, उसको मौका मिला था कुछ सीखने का, पढ़ने का, खुद की ग्रोथ करने के लिए, पर उसने उस मौके का फ़ायदा नहीं उठाया, तो अब उसकी सज़ा यही है कि वो खुद ही मेहनत करे, खुद ही सीखे, खुद ही अपनी ग्रोथ करे, खुद ही अपना वर्क करे। अगर एक कमज़ोर बच्चा अच्छे बच्चे की संगति में सीखता है फिर तो ठीक है, पर अगर नहीं सीखता है तो उसे कह दिया जाता है कि नहीं, अब तुम अकेले अकेले ही अपने लेसन्स लर्न करो, अपनी मेहनत खुद करो, किसी और को तो तुम्हें मैं परेशान करने नहीं दूंगा। तो डिवाइन भी यही सोचते हैं। आप ऐसा मत समझिए कि नार्सिसिस्टिक पेरेंट्स हैं, हम इतना टॉलरेट कर रहे हैं उनको, इतना सहन कर रहे हैं तो उनको उनका कर्मा नहीं मिलेगा, नहीं, सबको मिलता है। तो इसलिए इस जर्नी में 3D से डिटैच होने को बोला जाता है। आपको क्यों बोला जाता है कि आप सबसे डिटैच होकर ना वर्क करो, ताकि कोई भी आपकी एनर्जी को सक ना करे, कोई भी आपको ड्रेन ना कर पाए, कि एक तरफ आप इनर वर्क करते जा रहे हो और फिर उन 3D जो 3D के लोग हैं उनसे जुड़े हुए भी हो, तो वो आपकी ग्रोथ होने ही नहीं देंगे। अगर कोई आपको बहुत एक्सट्रीम में पीड़ा दे रहा है बहुत ज़्यादा, तो डिवाइन से शेयर कीजिए अपना जो भी पेन है, डिवाइन से एक्सप्रेस कीजिए, देखना आपकी प्रॉब्लम्स चुटकियों में दूर हो जाएंगी, आपका पेन कैसे कैसे ख़त्म हो जाएगा, हील हो जाएगा, आप खुद शॉक्ड हो जाएंगे। और राइट टाइम पे जिन्होंने आपको परेशान किया है, अब्यूज़ किया, उनको भी कर्मा मिल ही जाएगा, जो आपसे इंसानियत तक नहीं निभा पा रहे। अरे अगर आप सबको मेरी जर्नी के बारे में पता चल जाए ना कि मुझे किस तरह के चाइल्डहुड ट्रॉमास मिले हैं, वूंड्स मिले हैं, मेरी जो पूरी फैमिली है किस लेवल का नार्सिसिज्म भरा पड़ा है मेरी फैमिली में, तो सुनते ही आपकी रूह कांप जाएगी। क्योंकि मेरी अवेकनिंग एक तरीके से एक मिरेकल की तरह है मेरे लिए। हाँ, ये सही है, मेरी अवेकनिंग मिरेकल से कम नहीं थी। दोस्तों, मैं जब अवेकन हुई थी ना, तो मैं ये सोचती थी और आज भी सोचती हूँ कि इतनी बड़ी फैमिली है मैं, और इतना नार्सिसिज्म है मैं फैमिली में, मैंने क्या पुण्य कर दिए थे जो मुझे स्पिरिचुअलिटी और हीलिंग का पाथ मिला। अभी मैं इसलिए अपनी स्टोरी खुल के शेयर नहीं कर रही हूँ कि आप लोग ऑलरेडी लो एनर्जीज में हैं, और मेरी फैमिली के बारे में जो भी बताऊँगी वो एक्सट्रीम लेवल की नेगेटिविटी है, और नेगेटिव कुछ भी शेयर करूँगी नहीं इस चैनल पर। आज एक उदाहरण से आपको समझाती हूँ कि जिस इनर वर्क और हीलिंग को आप लाइटली ले रहे हो, हल्के में ले रहे हो, वो कितने सौभाग्यशाली लोगों को मिलती है। अब आप सोचो कि आप कहीं जा रहे हो और जाते जाते आप एक दलदल में गिर जाते हो, और उसमें पहले से ही बाकी 99 लोग फंसे हुए हैं। अब आप तो परेशानी में हो, आप लोगों के चेहरे को देखते हो तो उनमें से किसी के अंदर भी तड़प नहीं है उस दलदल से बाहर आने की। सब ये सोचते हैं कि मैं अकेला थोड़ी हूँ इस दलदल में, बाकी सब भी तो फंसे हैं, तो मैं इतना हाहाकार क्यों करूँ। भाई, अगर बाकी सब जदोहद कर ही नहीं रहे हैं यहाँ से निकलने के लिए, तो मैं भी क्यों करूँ, मैं कोशिश क्यों करूँ। तो यहाँ दलदल से मतलब है 3D से, संसार से। ये 3D भी दोस्तों दलदल ही है, और यहाँ ना जाने कितने लोग फंसे हैं, एक साइकिल में फंसे हैं। पर आप जब दलदल में गिरे हो,
पर आपके अंदर वो तड़प है उस दलदल से निकलने की। सब उस दलदल में धसे जा रहे हैं, पर अचानक से कोई सोचे, अचानक से कोई आके आपका हाथ पकड़ ले और उस दलदल से आपको बाहर निकाल लेता है। और दलदल से निकलने के बाद आप ये सोचते हैं कि इतने लोग फंसे हैं मेरे साथ, पर मुझे ही क्यों बचाया गया। तब आप खुशी के आंसू रो रहे होते हैं कि आखिर मैं ही क्यों, जैसे कि मुझे लगा था अपनी जर्नी में कि मैंने ऐसे क्या पुण्य कर दिए कि मेरे फैमिली में इतने नार्सिसिस्टिक हैं और मुझे ही सिर्फ स्पिरिचुअलिटी और ये हीलिंग पाथ क्यों मिला। तो आप भी ऐसा ही फील करेंगे। वो आपने कहावत सुनी होगी ना कि जहाँ चाह वहाँ राह। तो जिसके भीतर तड़प होती है उस परमात्मा से मिलने की, जो चाहता है उसके करीब जाना, तो राह भी उसी को दिखाई जाती है। और बाकी जो लोग थे वो क्यों दलदल से नहीं निकल पाए, उनको क्यों नहीं निकाला गया, क्योंकि वो सब एक जैसा सोच रहे थे कि जब दूसरा कोशिश ही नहीं कर रहा है तो मैं भी क्यों करूं। आपने देखा होगा ना एक पैटर्न, ये एक थॉट आपने ऑब्जर्व किया होगा अपने आसपास के लोगों में, कि लोग किसी एक थॉट को, एक तरह की बिलीव को या हैबिट को तब तक फॉलो नहीं करते हैं जब तक वो बहुत सारे लोगों को ऐसा करते हुए नहीं देखते हैं कि ये करेगा, ये व्यक्ति अगर करेगा या मेरे आसपास के, मेरे घर के या मेरे फ्रेंड्स में से अगर स्पिरिचुअलिटी में कोई होगा तो ही मैं ये सब करूँगा, वरना नहीं करूँगा या करूँगी। तो अब आपको रीज़न समझ में आया कि क्यों लोग हीलिंग से, मेडिटेशन से इतना भागते हैं, और आपको ये जर्नी इतनी आसानी से कैसे मिल गई जो दूसरों को मिल ही नहीं रही, आपके आसपास के लोगों को, आपके पेरेंट्स, नार्सिसिस्टिक पेरेंट्स को मिल नहीं रही है वो जर्नी। तो वही रीज़न है कि भीतर से आपकी तड़प ज़्यादा है डिवाइन के करीब जाने की। मैंने जब अपने एक फ्रेंड को बताया था कि मेरी कुंडलिनी जागृत है, तो उसको बिलीव ही नहीं हो रहा था कि कुंडलिनी इतनी पावरफुल, इतनी प्योर एनर्जी है, तुम्हारे आसपास इतनी नेगेटिविटी है, आखिर कैसे जागृत हो सकती है तुम्हारी कुंडलिनी। वो बिलीव ही नहीं कर पा रहा था। यहाँ तक कि मेरी मदर को भी मैंने सजेस्ट किया कि मैं वो मेडिटेशन करे, बिकॉज बहुत ज़्यादा वो नार्सिसिस्टिक ट्रेट्स में फंसी हुई हैं। जैसे कि वो परम शक्ति जागृत होगी तो उनको भी पता है, मैंने उनको बोला कि मेडिटेशन से वो परम शक्ति जागृत होती है, तो उन्होंने भी बोला कि ये शक्ति किसी भी साधारण मनुष्य के अंदर जागृत नहीं होती है। वो कहते हैं कि जिन ऋषियों ने सालों तपस्या की तब जाके उनको ये शक्ति मिली, हम तो पापी हैं, हमारे अंदर कहाँ से ये शक्ति जागृत होगी। पर दोस्तों, अब कुंडलिनी का जागृत होना नामुमकिन नहीं है, इम्पॉसिबल नहीं है। अब तो कुछ ही महीनों के मेडिटेशन से कुंडलिनी जागृत हो जाती है। क्यों? क्योंकि अर्थ पे आध्यात्मिक ऊर्जा अब बढ़ती जा रही है, अर्थ अब अशेंशन की तरफ बढ़ रही है। हम सब ट्विन फ्लेम्स, स्टार सीड्स, लाइट वर्कर्स के इनर वर्क से और सबसे ज़्यादा डिवाइन की ग्रेस से ये सब हो पा रहा है। और आप क्या सोच रहे हैं कि आसपास के लोग क्या ये भीतर से नहीं तड़प रहे हैं इस शक्ति के लिए? क्या वो भीतर से नहीं तड़प रहे हैं उस डिवाइन से जुड़ने के लिए, उसके करीब जाने के लिए? इनके चेहरों पर मत जाइए, जैसा कि ये दिखाते हैं कि 3D से ये कितने खुश हैं, इनके चेहरे की खुशी पे, मुस्कुराहट पे मत जाइए। हम सब भीतर से, मतलब हम इतने हमने जन्म लिए हैं, इतने जन्म लिए, हम जन्मों से तड़पे हैं उस परमात्मा से मिलने के लिए, तब जाके हमें ये ट्विन फ्लेम जर्नी मिली है। तो ये आसपास के जो 3D के आपके लोग हैं, आसपास हैं आपके, ये भी बहुत तड़प रहे हैं। इनके जो चेहरे पे जो हंसी है, जो मुस्कुराहट है ना, वो एक इल्यूजन है, वो एक सच्ची खुशी नहीं है, वो रियल हैप्पीनेस नहीं है। इनकी आंतरिक पीड़ा आप तब देख पाएंगे जब आप हील हो जाएंगे, जब आप पीस में आ जाएंगे, जब आप बैलेंस हो जाएंगे। इस स्थिति की भयानक हकीकत आपको तब समझ आएगी जब आप पीस में होंगे, बैलेंस में होंगे। और एक ज़रूरी बात कि इस जर्नी में हमें अनकंडीशनल लव और सेल्फ लव दोनों सिखाती है। ये जर्नी ये सिखाती है कि पास्ट में जिन्होंने भी आपको तकलीफ़ दी हो उनको माफ़ कर दो। और हाँ, ये सही भी है,
हमें अगर अपने सोल कॉन्ट्रैक्ट्स जो कार्मिक अकाउंट्स हैं अगर वो हमें ख़त्म करने हैं तो हमें माफ़ करना ही होगा। उनका जो कर्मा होगा वो तो उनको मिलकर ही रहेगा, चाहे कोई भी हो वो उनको मिल ही जाएगा। और अनकंडीशनल लव में जब आप होते हो ना तो आप वो सारी तकलीफ़ें भुलाकर ये कोशिश करते हो कि उन नार्सिसिस्टिक लोगों को भी उस परमात्मा तक जाने की प्रेरणा देते हो, उन्हें वो हीलिंग का पाथ दिखाते हो, उन्हें समझाते हो। तो ये होती है अनकंडीशनल लव की एनर्जी जब आप ये करते हो कि रहने दो, जाने दो ना, भूल जाते हैं जिसने हमें दुख दिया, दर्द दिया, ये भी तो दर्द में है, ये नार्सिसिस्टिक है, आप तो फिर भी एम्पैथ हो, आप तो फिर भी इस हीलिंग पाथ में आ चुके हो, पर एक नार्सिसिस्टिक उसमें आपसे ज़्यादा घाव होते हैं, वो आपसे ज़्यादा वाउंडेड होता है, उसमें उसके डीएनए में, उसके सबकॉन्शियस में इतना नार्सिसिज्म भर चुका होता है, इसलिए वो बिहेव कर रहा होता है ऐसा। तो उस व्यक्ति को तो हीलिंग की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। आप यही सोचते हो कि हीलिंग पे परमात्मा के करीब जाने का हक सबको है, पर सेल्फ लव हमें ये सिखाता है कि लाख अच्छा बनने के बाद भी अगर हम किसी का बहुत अच्छा भी कर दें, उसके बाद भी अगर आपसे कोई प्रेम नहीं करता है या आपकी रेस्पेक्ट नहीं करता है, अपना नार्सिसिज्म आप पे प्रोजेक्ट किया जा रहा है, आप पे प्रोजेक्ट करता है, थ्रो किया जा रहा है, तो हम ट्विन फ्लेम्स ने कोई ठेका नहीं ले रखा है कि हम खुद को सेक्रीफाइस करके, खुद के पीस को, हैप्पीनेस को सेक्रीफाइस करके दूसरों को खुश रखें और दूसरों को हीलिंग दे रहे हैं। नहीं, हीलिंग ऐसे भी नहीं देनी है। अनकंडीशनल लव का मतलब ये भी नहीं होता है कि हम खुद को सेक्रीफाइस ही कर लें, कि हम खुद से ही डिस्कनेक्ट हो जाएं। दोस्तों, मेरा एक वीडियो है कि हाउ टू हील सबकॉन्शियस माइंड, उसमें मैंने बताया है कि मेरी मदर से मुझे कितने भयंकर वूंड्स मिले थे चाइल्डहुड में, जो कि इतने डीप रूटेड हो चुके थे कि हील ही नहीं हो रहे थे। बड़ी मुश्किल से जाके मैंने उन वूंड्स को हील किया। तो अगर आप में भी ऐसे वूंड्स हैं जो डीप रूटेड हैं, आपने बहुत इतना वर्क कर लिया है फिर भी वो हील नहीं हो पा रहे हैं, तो आप उस वीडियो को जाके ज़रूर सुनना, शायद आपको उस वीडियो से कुछ हेल्प मिल जाए। मेरे वूंड्स हील हो चुके थे, अब मुझे कोई पेन भी नहीं होता है, पर फिर भी प्रेजेंट में भी आज भी मेरी मदर के हार्श बिहेवियर से मुझे रोना पड़ जाता है कभी कभी। बट मैंने न्यू प्रोग्रामिंग सेट कर दी है और न्यू बिलीफ सिस्टम क्रिएट किया और सारे अटैचमेंट तोड़ दिए हैं पेरेंट्स से, क्योंकि वो मैं ये इस चीज़ को एक्सेप्ट कर चुकी हूँ। जैसे ही आप 5D में एंटर होते हैं तो आप एक्सेप्टेंस की एनर्जी में आ जाते हैं, आप एक्सेप्ट कर लेते हैं कि हम जिनके साथ भी हैं, पेरेंट्स हो, स्पाउस हो, बच्चे हो, फ्रेंड्स हो, हम सब सोल हैं और हम सब की जर्नी अलग है, हम सब अपनी यात्राएँ कर रहे हैं। मैं इस एक्सेप्टेंस की एनर्जी में आ गई कि ठीक है, मेरे जो पेरेंट्स हैं, मेरी जो मदर है, वो नाक है, वो नाक्स की कैटेगरी में है अभी, और मुझे अब उनसे लव नहीं मिल सकता। मैंने मेरी जो एक्सपेक्टेशंस थी मैंने तोड़ दी, मैंने अटैचमेंट्स तोड़ दिए, तो मुझे बहुत जल्दी हेल्प मिली, मैं बहुत जल्दी उन वूंड्स से, उस पेन से, ट्रॉमा से बाहर निकल पाई। बिकॉज आप अटैचमेंट तोड़ोगे ही नहीं तो वो आपको वूंड्स देते ही जाएंगे। दोस्तों, हमारे वूंड्स इसलिए भी हील नहीं हो पाते हैं क्योंकि पास में जिन लोगों ने हमें पेन दिया होता है, जिन भी लोगों ने हमारे साथ एब्यूजिव रहे होते हैं, उन्होंने तो एक ही बार वो वूंड हमें दिया होता है, पर उनके उस बिहेवियर को जब हम बार बार सोचते हैं तो उसी वूंड को हम अपने भीतर और गहरा करते चले जाते हैं, और मन ही मन अटैचमेंट के कारण हम थोड़ी उम्मीद भी रख बैठते हैं कि कभी तो वो व्यक्ति हमें थोड़ा प्यार दे। तो उस व्यक्ति से ज़्यादा हम खुद ही होते हैं जो अपने वूंड को बढ़ाते रहते हैं, हम एक्सपेक्टेशंस किए जाते हैं। एक्चुअली ये 3D पैटर्न ही होता है कि इतना अब्यूज़ सहकर भी हम उस नार्सिसिस्टिक से प्यार की उम्मीद लगाए बैठते हैं, और यहाँ हमारा अटैचमेंट होता है जो ऐसा मजबूर कर देता है, ऐसा करने पर या ऐसा सोचने पर मजबूर करता है, और फिर इन्हीं
सबके कारण हम सेल्फ लव में आ नहीं पाते हैं, हम खुद को प्रायोरिटी दे ही नहीं पाते हैं। तो इनर वर्क करते हुए अगर आप चाहते हैं कि आपके वूंड्स जल्दी से जल्दी हील हो, तो पहले तो आप अपने अटैचमेंट्स तोड़ दीजिए ऐसे नार्सिसिस्टिक लोगों के साथ, और आप अपने रूट कॉज पे जाइए, रूट कॉज में जाके उन वूंड्स को हील कीजिए, रूट कॉज फाइंड आउट कीजिए कि ये वूंड्स कहाँ से आ रहे हैं, अटैचमेंट के कारण आ रहे हैं, फियर के कारण आ रहे हैं, कौन सी एनर्जी है, लो एनर्जीज है जो इन वूंड्स का कारण है। और हमें एक न्यू बिलीव सिस्टम भी क्रिएट करना होता है हीलिंग के दौरान, इनर वर्क के दौरान, उस 3D पैटर्न से बाहर आने के लिए। तो थैंक यू जिसने भी ये डाउट मुझसे पूछा था, और इसी तरह से आप अपने डाउट्स पूछते रहिए, बिकॉज़ मुझे ऐसा कंटेंट बनाना बहुत पसंद है जिसमें मैं आपके 3D पैटर्न को तोड़ सकूं। बिना 3D पैटर्न को तोड़े आपका एसेंशन हो ही नहीं सकता। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस तरीके के डाउट्स पूछिए। तो दोस्तों आज की वीडियो को यहीं मैं क्लोज करती हूँ। अगर आपको पर्सनल हीलिंग सेशंस चाहिए तो पर्सनल हीलिंग सेशंस के लिए आप मुझे टेलीग्राम कर सकते हैं, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय एंड गॉड ब्लेस यू।